सो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। दिस इज अर्जुन वर्मा, योर टेक्निकल फ्रेंड। तो गाइस, जैसे कि आप सब होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारा फोर लूप क्या होता है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। उसमें मैंने आपको दिखाया था कि हम उसको इंक्रीमेंट करके कैसे यूज़ करते हैं और डिक्रीमेंट करके कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में जैसे कि आपको पता है, हम देखेंगे कि हमारा फोर इन लूप क्या होता है और उसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो गाइस, बेसिकली क्या होता है, जो हमारा फोर इन लूप होता है ना, फोर इन लूप हमारा यूज़ होता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ऑब्जेक्ट्स के ऊपर यूज़ होकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की की एंड वैल्यू को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, उस लूप को आइट्रेट करवा के। ठीक है, सिंपल चीज़ होती है। तो गाइस, स्क्रीन पर हम देखते हैं, स्क्रीन जैसे आपको दिख रही है, तो मैं यहाँ पर फाइल स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा रहेगा फोर इन लूप क्या होता है और उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो गाइस, इसको आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग फिर कहीं भी यूज़ कर सकते हो, जैसे जैसे आपको इसकी नीड पड़ेगी। तो गाइस, मैं करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, फोर इन डॉट जे एस। गाइस, ये मैंने फाइल बना ली है, यहाँ पे मैं यहाँ पर ऊपर लिख भी देता हूँ फोर इन लूप। ठीक है, सिंपली चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। तो गाइस, मैं यहाँ पे एक फोर लूप बनाता हूँ, फोर इन लूप। तो मैंने यहाँ पर करा फोर, इसके अंदर गाइस हमारी एक वैल्यू आती है जो कि हम लेते हैं सबसे पहले की इन ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ये हमारा आइटरेट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ये चीज़ होती है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक सिंपल गाइस यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट ओ बी जे इक्वल्स टू, ये गाइस मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने लिखा नेम, नेम दे दिया मैंने सैम। ठीक है गाइस, इसके बाद मैंने दी उसकी एज, एज थी उसकी 26। ठीक है, एक मैंने दे दिया यहाँ पे फ़ोन नंबर, ये मैंने दे दिया यहाँ पे फ़ोन नंबर। ठीक है गाइस, सिंपल फ़ोन नंबर में मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, जो भी उसका नंबर था मैंने सिंपली ऐसे टाइप कर दिया रैंडम। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा फोर इन लूप यूज़ होता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को मैं रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पे। अब क्या होगा कि जितनी भी हमारी ये ऑब्जेक्ट की कीज़ है ना, ये सारी इसके अंदर आ जाएंगी, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़, और ये कीज़ को यहाँ पर ले लेगा इन के अंदर। तो मतलब क्या होगा, फोर इन लूप हमारा क्या करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर सिंपल गाइस कंसोल मार रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग किया मैंने। यहाँ पर क्या किया, सिंपल गाइज मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ सबसे पहले अपनी की को, मैंने यहाँ पर की को प्रिंट किया। तो गाइज क्या होता है कि हमने इसको अगर रन करना है, तो मैं अपनी फाइल को यहाँ पर लिखूंगा, जो कि हमारी फाइल है फोर इन डॉट जे एस। जैसे मैंने इसको रन किया, तो गाइज आप देख सकते हो इसने मुझे क्या किया, नेम एज फोन नंबर, यानी कि इसने जो इसकी कीज थी, इसने मुझे अपनी वो कीज को दे दिया है। अब मैं यही चीज गाइज सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सिंपल एरो। इसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, कोमा, कोमा लगा के मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट अपना ऑब्जेक्ट के अंदर की। अब देखते हैं ये हमें गाइस क्या आउटपुट देता है। अब जैसे ही मैंने इसको हिट किया, तो आप देख सकते हो कि इसने मुझे क्या किया, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा, एक सेकेंड, ये गाइस मैंने इसको जूम कर दिया। ठीक है, जूम करने के बाद आप देख सकते हो इसने मुझे क्या दिया, पहले फर्स्ट टाइम इसने मुझे दिया था नेम एज फोन नंबर, सेकंड टाइम इसने क्या मुझे की दी, की वैल्यू जो सेम थी, एज एज की वैल्यू, फोन नंबर फोन नंबर की वैल्यू। तो इस तरह से कैसे अपने फोर इन लूप को आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज़ कर सकते हो और उसकी कीज वैल्यू को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, उसको यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ मैंने बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिया है, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि फोर इन लूप को आप कैसे यूज़ कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए फोर ऑफ लूप के साथ, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि फोर ऑफ लूप क्या होता है हमारा और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो को आप अच्छे से देखा है, जो आपने इस चीज़ को आप खुद प्रैक्टिस करना और आपको पता लगेगा, आप कहीं कहीं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में इसको यूज़ करके देखना, तो आपको समझ आ जाएगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।